किस तरह से और क्या क्या लिखा है इसमें वो भी आप सभी को दिखाते हैं। राम राम बहुत बड़े अक्षर में लिखा गया है और यहाँ जो लाइट लगी है एक बहुत ही खूबसूरत, आप इसमें डबल लाइट लगी है, ये देखिए दोनों लाइट इसमें लगी है, ये बहुत खूबसूरत दिख रही है लाइट। यहाँ पे खूबसूरत ये देखिए किस तरह स्टील का तितली बनाया गया है। और दूसरे से आप पहुँचे हैं नीचे, ये देखिए किस तरह से नीचे से बनाया गया है, ये बारहसिंघा है, ये आप देख रहे हैं जो ये बारहसिंघा है। और इधर मोर बनाया गया है, ऐसे आपको लगता होगा कि ये गार्डन है। जितने भी अयोध्या में ओवर ब्रिज बन रहे हैं उसके नीचे कुछ ना कुछ बन ही रहा है। जय श्री राम। मैं मनोज अयोध्या वाले आप सभी को अपने न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं दिखाने वाला हूं अयोध्या का सबसे खूबसूरत ब्रिज। तो मैं लोकेशन की एक बार बात कर लेते हैं, इसमें हम कहाँ हैं और कहाँ लेके चलेंगे वो आप सभी को बता दें, तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों ये आप जो ब्रिज देख रहे हैं ये रोड जो है, ये आप रोड देख रहे हैं, ये अयोध्या और लखनऊ हाईवे है, ये NH 27 इसमें हम हैं। और यहाँ पे आप देखिए राम स्तंभ है, ये राम स्तंभ के साथ हम शुरुआत करेंगे और हम लेके चलेंगे आपको टेढ़ी बाजार, जो ब्रिज है वहाँ से राम मंदिर भी दिखता है। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज बनाया गया है इसके लिए, और ये बोर्ड भी लगा है ग्रीन कलर व्हाइट लिखा है, तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आप देखिए राम मंदिर यहाँ से जब जा रहे हैं तो कितना खूबसूरत ये रोड मिलने वाला है, और यहाँ पे फूल वगैरह भी बहुत ही खूबसूरत लगाए गए हैं, और आउट ऑफ कंट्रोल ना हो इसके लिए पॉइंट भी दिया गया है दोनों साइड से, ये ऑरेंज कलर का, ये आप देखिए रोड। और एक चीज दिखा दें, ये बजरंगबली और राम का यहाँ बहुत ही झंडा लगा है दोनों साइड में, आप ये देखिए। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है और लेकिन आपको जानकारी बहुत ही खूबसूरत और देखने को मिलेगा। हम आप सभी को चूड़ामणि भी दिखाएंगे जो मुखबरा बाजार चौराहे पे है, वो भी दिखाएंगे किस तरह से है और क्या क्या लिखा है उसमें, बहुत ही खूबसूरत लिखा गया है। तो जैसे आप जानते हैं कि अयोध्या में अगर आप जा रहे हैं तो रोड भी खूबसूरत होना चाहिए, क्यों ना हो रोड खूबसूरत, क्योंकि हम राम मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने, तो उसी तरह से ये सारी चीज़ें बनाया गया है। और ये आपको दिखता होगा वीडियो में थोड़ा थोड़ा चूड़ामणि। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चूड़ामणि के पास, ये देखिए किस तरह से और क्या क्या लिखा है इसमें वो भी आप सभी को दिखाते हैं। राम राम बहुत बड़े अक्षर में लिखा गया है, और कुछ लिखा गया है बहुत कुछ, आप वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। और ये देखिए किस तरह से यहाँ लगा है, और इसमें मशीन भी लगाया गया है, ये चालू होता है, ये जब घुमाना इसको होता है तो यहाँ मशीन लगा है, ये घूमता है। तो अब आप सभी को लेके चलते हैं हम आप सभी को ब्रिज दिखाने के लिए। तो दोस्तों हम मोहब्रा चौराहा से आगे बढ़ते हैं राम जन्मभूमि की तरफ, और यहाँ भी बोर्ड भी लगा है, आप देख सकते हैं टेढ़ी बाजार का। और हम आगे बढ़ते हैं तो आपको ब्रिज के बारे में बता दें, जिसे राम जन्मभूमि के पास है तो बहुत ही खूबसूरत इसलिए बनाया गया है, वो इतना खास क्यों है इसके लिए है। और वहाँ से आप अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन भी आप जा सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, अयोध्या में आप आ रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको नई मिलने वाली है, आपको राम मंदिर नया, रेलवे स्टेशन नया, एयरपोर्ट नया, सारी रोड सारे डेवलपमेंट। ये देखिए पानी किस तरह से मारा जा रहा है, ये आप देख सकते हैं पानी का छिड़काव किस तरह से पौधों पे हो रहा है, ये पेड़ पे देखो मारा गया है जो पानी डाल रहे हैं, इसको सूखने ना पाए इसी लिए ये सारा सुविधा है। तो दोस्तों हम
पहुंच चुके हैं ब्रिज के पास। ये आपको सामने दिखता होगा, ये देखिए किस तरह से है और इसकी लाइट वगैरह कितनी खूबसूरत है। और दोनों साइड अयोध्या लोगो लगा है, ये आप देखिए किस तरह से। और इसमें तरह तरह के चित्र बनाए गए हैं, मछली के, पक्षी के, पेड़, सारी चीज़ें। आप ये देखिए किस तरह से है। और ये बहुत ही खूबसूरत ये ब्रिज इसके लिए ख़ास है कि राम मंदिर यहाँ से नज़दीक है। और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, जो न्यू रेलवे स्टेशन है, वो भी इसी के बगल है, वो भी आप सभी को हम यहीं से दिखा देंगे। तो देख सकते हैं पेंटिंग वगैरह किस तरह से बन रहा है। एक चीज़ चला दिया गया है और ये चलाया गया था प्राण प्रतिष्ठा के पहले, ये रोड चालू हो गया था जिस पे हम चल रहे हैं। और दूसरे साइड ये देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, ये देखिए किस तरह से। और यहाँ जो लाइट लगी है, एक बहुत ही खूबसूरत, आप इसमें डबल लाइट लगी है, ये देखिए दोनों लाइट इसमें लगी है, ये बहुत खूबसूरत दिख रही है लाइट। तो आप देखते होंगे किरान, अभी यहाँ से दिखाते हैं राम मंदिर का जो ऊपर का गुम्बद है वो दिखेगा और किरान भी दिखेगा जिससे काम चालू है। तो दोस्तों हम ब्रिज के बीचों बीच पे हैं और ये देखिए यहाँ से आप जा सकते हैं, इसी के नीचे से जब आप जाते हैं तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन आपको यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। तो इसके लिए ये ब्रिज बहुत ही खास दिया गया है और बनाया गया है खूबसूरत। और यहाँ से आपको ये दिखता होगा राम मंदिर, आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये आप देख सकते होंगे गुम्बद जो दिख रहा है और किरान है, वो वही है जो राम जन्मभूमि। और बता दूँ ये मॉल जो है कितना खूबसूरत है दोनों साइड में। ये ब्रिज के बगल और ख़ास बना देता है, दोनों साइड मॉल है, ये बहुत ही खूबसूरत मॉल है और उस पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की पेंटिंग भी बनाई गई है बहुत खूबसूरत, ये आप देखिए, इस वजह से और ख़ास हो जाता है। तो ये देख सकते हैं किस तरह से मॉल है दोनों साइड और इसकी पेंटिंग भी आप सभी को दिखाएंगे। और नीचे बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, वो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा और वो भी आप सभी को दिखाने वाले हैं हम। ये देखिए किस तरह से इसकी पेंटिंग वगैरह है दोनों की, ये आप देखिए इस साइड भी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इसमें टेढ़ी बाजार और यहाँ पे खूबसूरत, ये देखिए किस तरह स्टील का तितली बनाया गया है और दूसरी साइड भी बनाया गया है, वो भी हम आप सभी को दिखा दें। ये देखिए ये रात में जलता है, इसमें लाइट लगा है, बहुत खूबसूरत ये दिखाई देता है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से बना है, हम नीचे लेके चलते हैं आप सभी को एक बार दिखाते हैं। तो दोस्तों हम आ पहुँचे हैं नीचे, ये देखिए किस तरह से नीचे इसे बनाया गया है, ये बारहसिंघा है, ये आप देख रहे हैं जो ये बारहसिंघा है और इधर मोर बनाया गया है। ऐसे आपको लगता होगा कि ये गार्डन है। जितने भी अयोध्या में ओवर ब्रिज बन रहे हैं उसके नीचे कुछ ना कुछ बनी रहा है खूबसूरत दिखने जैसा। ये आप देखिए रामायण काल की सीने यहाँ दर्शाई गई है और ये खूबसूरत, आप समझ सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो ये देखिए ये अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, यहाँ से आप प्रवेश करेंगे और यहाँ पे आपको दिखता होगा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, पीला बोर्ड है। और यहाँ का जो है उस साइड भी थोड़ा कुछ बना है और ये खूबसूरत एक मंदिर स्वरूप बनाया गया है, उसमें जय श्री राम लिखा है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।